प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। कारीगरों के मानक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं को घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना है पीएम विकास का उद्देश्य। उपराष्ट्रपति ने मेरठ में आयुर्वेद सम्मेलन और एक जिला एक उत्पाद प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा, आयुर्वेद चिकित्सा का चलन काफी बढ़ा है। बिल्ली आबकारी घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ईडी के सामने हुई पेश। शराब घोटाले को लेकर ईडी के अधिकारी कविता से कर रहे हैं पूछताछ। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव के परिजनों और करीबियों पर जांच एजेंसियों का कसा शिकंजा। बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू के बेटे तेजस्वी यादव को सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए किया तलब। देश में इन्फ्लुएंजा H3N2 और कोविड की स्थिति पर नई दिल्ली में नीति आयोग की हुई समीक्षा बैठक। बैठक में नीति आयोग के सदस्य और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव समेत उच्च अधिकारियों ने लिया हिस्सा। स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को वायरस के बढ़ते प्रभाव के बारे में लिखा पत्र। और अहमदाबाद टेस्ट के तीसरे भारत ने 3 विकेट पर बनाए 250 से ज्यादा रन। शुभमन गिल ने जड़ा शतक। ख्वाजा और कैमरन ग्रीन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहले पारी में बनाए हैं 480 रन। नमस्कार, हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान का उद्देश्य कारीगरों के मानक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं को घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना है। वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया मिशन की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि इसके माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। हमने स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से, कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं की स्किल बढ़ाने, उन्हें रोजगार के नए अवसर देने का काम किया है। कौशल जैसे क्षेत्र में हम जितना स्पेसिफिक होंगे, जितनी टारगेटेड अप्रोच होगी, उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को बड़ी मदद हो रही है। हर विश्वकर्मा साथी को आसानी से लोन मिले, उनका कौशल बढ़े, ये सुनिश्चित किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों की बड़ी मदद होने जा रही है। इस योजना के द्वारा केंद्र सरकार हर विश्वकर्मा साथी को होलिस्टिक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रदान करेगी। विश्वकर्मा साथियों को आसानी से लोन मिले, उनका कौशल बढ़े, उन्हें हर तरह का टेक्निकल सपोर्ट मिले, ये सब सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल एम्पावरमेंट, ब्रांड प्रमोशन और उत्पादों के बाजार तक पहुंच बनाने की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा उद्देश्य विश्वकर्मा साथियों को बड़ा उद्यमी बनाने का है। इसके लिए उनके बिजनेस मॉडल से स्थायित्व जरूरी है। देश आज के विश्वकर्मा साथियों को कल का बड़ा एंटरप्रेन्योर बनाने का है। इसके लिए उनके बिजनेस मॉडल में स्थायित्व जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए हम उनके बनाए प्रोडक्ट को बेहतर बनाने, आकर्षक डिजाइनिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी काम कर रहे हैं। इसमें ग्राहकों की भी जरूरतों का भी ध्यान रखा जा रहा है। हमारी नजर सिर्फ स्थानीय बाजार पर ही नहीं है, बल्कि हम ग्लोबल मार्केट को भी टारगेट कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में चल रहे 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व एवं ODOP प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज हमें सोचना पड़ेगा कि भारत कहाँ है। नकारात्मक सोच वाले हमेशा रहे हैं। इमरजेंसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इतिहास में काला अध्याय था, लेकिन अब इमरजेंसी का समय नहीं है। पीएम मोदी के नेतृत्व में जनता कर्फ्यू लगाकर महामारी पर नियंत्रण किया गया। जगदीप धनखड़ ने कहा कि दुनिया भर में भारत की आवाज सुनी जाती है, आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है। अब भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था है, वो शासन व्यवस्था एक ही केंद्र पर है, देश का हित। और तभी पहली बार आपने देखा होगा कि दुनिया के देशों में भारत की आवाज सुनी नहीं जाती है, इंतजार करते हैं कि इस मुद्दे पर भारत क्या बोलेगा। और दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी के दिल्ली स्थित मुख्यालय पहुंची। कविता का नाम दिल्ली शराब घोटाले में सामने आया है और इसी को लेकर ईडी ने पूछताछ के लिए के कविता को समन किया था। इस समय ईडी के अधिकारी कविता से पूछताछ कर रहे हैं। देश इस समय H1N1, H3N2 और एडोनो वायरस से जूझ रहा है। नीति आयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस बढ़ते मामले पर आज समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालय, विभागों और संगठनों के साथ वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव स्वास्थ्य को वायरस के बढ़ते प्रभाव के बारे में लिखा है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में कहा, इन्फ्लुएंजा एक वार्षिक मौसमी घटना है। वर्तमान मौसम में विभिन्न प्रकार की मौसम की स्थिति और व्यवहार संबंधी कारण, जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता पर पर्याप्त ध्यान देना, अन्य लोगों के करीब में पर्याप्त सुरक्षा के बिना छींकना और खांसना बंद इंडोर सुझाए, इन्फ्लुएंजा H1N1, H3N2, एडेनो वायरस आदि जैसे कई वायरल श्वसन रोग जनकों के संचलन के लिए वातावरण को अनुकूल बनाते हैं। राजेश भूषण ने साथ में लिखा कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP के तहत देश भर में ILI SARI की बढ़ती प्रवृत्ति देखी जा रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि इन्फ्लुएंजा के लगातार बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं और विभिन्न प्रयोगशालाओं में विशेषण किए जा रहे हैं। नमूनों में H3N2 पाया जा रहा है। इससे पीड़ित होने वालों में छोटे बच्चे, बूढ़े और पहले से किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति हैं। इसके अलावा 1% जनवरी 2023 के लिए लिए गए नमूनों की टेस्टिंग के मुताबिक लगभग 25.4% नमूनों में एडोनो वायरस के मामले सामने आए हैं। इनमें से अधिकांश मामलों में बुखार और खांसी के साथ सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पहले से ही अन्य बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है। इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए खांसने या छींकते समय मुंह ढकना, भीड़ भरे वातावरण में मास्क का उपयोग, बार बार हाथ धोना जरूरी है। पत्र में कहा गया है कि आवश्यक है कि राज्य, जिला, IDSP इकाइयां संबंधित क्षेत्रों में ILI SARI की प्रवृत्ति की बारीकी से जांच करें। इन मामलों की लगातार निगरानी जरूरी है। साथ ही कहा गया कि सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करें। इसके अलावा पत्र में कहा गया कि दवाओं सहित अस्पताल की तैयारियों का जायजा लेना जरूरी है। चिकित्सा उपकरण, ऑक्सीजन आदि की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रीय दलों के नेताओं पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर बात की। इन दलों के भ्रष्टाचार पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब भ्रष्टाचार में लिप्त इन क्षेत्रीय दलों पर जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, तो वो कभी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और कभी इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। जितने क्षेत्रीय दल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन पे जांच एजेंसियां जब कार्रवाई कर रही हैं, तो वो कभी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कभी वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। और
सवाल जनता ये पूछ रही है कि जो जनता के सवाल हैं उनका उत्तर आप क्यों नहीं देते हैं। गौरव भाटिया ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर हुई कार्रवाई पर बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी उन्हें कट्टर ईमानदार कहती है, लेकिन सिसोदिया कार्रवाई में किसी भी प्रश्न का ठीक से उत्तर नहीं दे रहे हैं और कार्रवाई में सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक कट्टर ईमानदार जिनको कहती है पापी आप, उनके पूर्व के उप मुख्यमंत्री के कृत्य देखिए। अगर ईमानदार इतने होते तो जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर देते, विनम्रता से देते, छुपाने के लिए कुछ नहीं है। न्यायालय कह रहा है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर मनीष सिसोदिया नहीं दे रहे हैं और ये जांच एजेंसियों से सहयोग भी नहीं कर रहे। तो पहली बात, कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी है, और दूसरा, इनके कृत्य ये हैं कि ये प्रश्नों के उत्तर भी नहीं देंगे। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले आप लालू यादव और तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की मांग करते थे, लेकिन अब आप उन मांगों से पलट गए हैं। ये नीतीश कुमार जी का जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल से ट्वीट है। आप कह रहे थे इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, आज कार्रवाई हो रही है, तो जनता ये जानना चाहती है कि पलटू राम आपको जनता इसीलिए कहती है। आप कभी कोई स्टैंड लेते हैं और अगर सहूलियत होती है तो पलट जाते हैं। क्या आपने ये मांग नहीं करी थी नीतीश कुमार जी कि लालू प्रसाद यादव जी पे, राबड़ी देवी जी पे, तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आज जब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है और न्यायालय से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है, तो वो इसके लिए राजनीतिक देश को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। जब कार्रवाई हो रही है तो ये जो भ्रष्टाचारी हैं, प्रथम दृष्टया जिनको न्यायालय से ना इनका मामला निरस्त हो रहा है, ना कई ऐसे मामले हैं जहां बेल भी नहीं मिल रही, तो आपको ये बताना चाहिए कि आज आप तथ्यों पे बात क्यों नहीं कर रहे। अगर आप लोगों का कहना यह है कि राजनीतिक द्वेष से ये मामले हो रहे हैं, तो फिर ये बताइए कि न्यायालय जाके ये सारे जो मुकदमे हैं इनको निरस्त क्यों नहीं कराते हैं? और यहां एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। भारत के पहाड़ी इलाकों में जिस प्रकार तापमान बढ़ रहा है, गर्मी की बीमारी से बचने के लिए सावधानियां आवश्यक हैं। टीवी, रेडियो, अखबार और मोबाइल फोन पर गर्मी की चेतावनी का ध्यान रखें। अधिक पानी और प्राकृतिक तरल पिएं। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक्स डालें। काम ठंडे समय पर करें और दिन के सबसे गर्म समय 12 से 3 आराम करें। पशुओं को छाया वाली जगह में रखें और पर्याप्त पानी दें। केवल ताजा बना खाना खाएं, ताजे फल और सब्जियां अधिक खाएं। गर्मी की बीमारी के लक्षण पहचाने: कमजोरी, चक्कर, जी मिचलाना, अत्यधिक पसीना, ऐंठन, भ्रम, तेज सांसें, बेहोशी। तबीयत खराब होने पर प्राथमिक चिकित्सा लें और 108 या अन्य एम्बुलेंस सेवा बुलाएं या अस्पताल जाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, लेकिन चुटकी में पेमेंट चुकाइए।
बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक में तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु मैसूरु एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे, जिसमें यात्रा की अवधि 3 घंटे से घटकर महज 75 मिनट रह जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मैसूरु खुशहाल नगर 4 लेन राजमार्ग का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक को विकास की कई सौगातें सौंपेंगे। कनेक्टिविटी को विश्व स्तरीय बनाने के लिए प्रधानमंत्री कर्नाटक के मांड्या में कई सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर कनेक्टिविटी होना आवश्यक है। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री बेंगलुरु मैसूरु एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 118 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण से जुड़ी इस परियोजना को लगभग 8480 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित किया गया है। इससे बेंगलुरु और मैसूरु के बीच यात्रा अवधि लगभग 3 घंटे से घटकर करीब 75 मिनट रह जाएगी, जिससे क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूरु खुशहाल नगर 4 लेन राजमार्ग की आधारशिला भी रखेंगे। बानवे किलोमीटर में फैली इस परियोजना को करीब 4130 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। यह परियोजना बेंगलुरु के साथ खुशहाल नगर के परिवहन संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और यात्रा अवधि को लगभग 5 घंटे से घटाकर केवल 2.5 घंटे कर देगी। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव पर कहा कि हमने 3 दिनों में सभी राजनीतिक पार्टी से मुलाकात की, पुलिस प्रशासन से भी अपने होने वाले चुनाव पर बात की गई और कर्नाटक में 2011 के सेंसस के मुताबिक मतदाताओं की संख्या 6.1 करोड़ है। 224 विधानसभा क्षेत्र हैं, 2.62 करोड़ पुरुष और इसके आसपास ही महिला वोटर्स हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं, दिव्यांग जन और ट्रांसजेंडरों के लिए चुनाव आयोग ने विशेष सुविधा मुहैया करवाने पर काम किया है। स्पेशल समरी रिवीजन इज जस्ट रिसेंटली कंप्लीटेड एंड ड्यूरिंग द एसएसआर एक्सरसाइज द कमीशन हैज लेड एम्फेसिस ऑन द न्यू एज वोटर्स, as I mentioned, the first time voters, the women, transgenders, particularly vulnerable tribal groups, persons with disabilities. We went extra mile to cover all these voters into our electoral rolls. So this is our concern that, you know, every person with disability should be empowered and come to the voting station. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कर्नाटक आईटी शहर है, इसलिए हमने यहां चुनाव को से जुड़ी हर जानकारी और समस्या का हल ऑनलाइन मुहैया करवाने का प्रयास किया है, जिससे कर्नाटक के मतदाताओं को सुविधा हो। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन हियर विद द हेल्प ऑफ द एनलाइटेंड वोटर्स टू सजेस्ट अस सो दैट वी कैन इंप्रूव दिस पार्टिसिपेशन नॉट ओनली इन कर्नाटक बट follow this in the other states also whenever we witness this kind of apathy. Being in the IT city, I will mention about the IT applications of the commission which can be used during the polling, during the election. You can know your booth
You can connect to your BLO, RLO. You can see results. You can see all election trends. You can find about EVMs. Whatever you want to know, it's a voter helpline. Please find time to go through this. It will be helpful. और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, लेकिन राज्य में इस बजट को लेकर स्थानीय लोगों ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आप सरकार के पहले बजट ने उन्हें काफी निराश किया है। इस बजट में उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया गया, साथ ही आपने जनता को किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बजट पेश किया है, जैसे पंजाबी में कहावत है कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, ये बिस्तर बिल्कुल इस तरह का बजट था कि जैसे चुनाव में जे कह कर आए थे कि हम ओल्ड पेंशन का जो वो बहाली करेंगे, और यहाँ तक कि बाकी सूबों में जे भगवंत मान जी प्रचार करने जाते थे वहाँ भी प्रचार करते थे कि ओल्ड पेंशन की हम बहाली करेंगे, और शर्म के साथ बोलना पड़ रहा है के कल के बजट में बिल्कुल ही नहीं इन्होंने ओल्ड पेंशन का कोई जिक्र किया। आम आदमी सरकार पंजाब ने बजट पास किया है वो बिल्कुल ही लिफाफा बजट था। हमारे 1000 रुपए का जिक्र तक नहीं किया। जब उन्होंने वोट लेनी थी तब उन्होंने वादा किया था कि हम 1000 रुपए आपको हर महीने देंगे, कहाँ है वो 1000 रुपए? हमारे खाते तो अभी तक खाली के खाली पड़े हैं। हमारे यहाँ सबसे पुराना कॉलेज है अहमद मेमोरियल कॉलेज जो है सबसे, उसको ना तो अपडेट करने की कोई बात की गई बजट के अंदर, ना ही जो इन्होंने 1000 रुपए महिलाओं के खाते में डालने की बात कही थी उसके बारे में कोई बात नहीं की। 1000 से ऊपर सिलेंडर हो गया है, किचन में कुछ नहीं, ऐसे हर एक चीज महंगी होती जा रही है। और यहाँ एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा, आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्टअप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। सर 50,000 एडवांस और इतना कैश तो हम नहीं लाए, और आज बैंक भी बंद है। इलाज है, डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढोल। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने? क्योंकि RBI करना है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। गर्मियों में जब तापमान 40 डिग्री पार करने लगे, ऐसे में ठंडे घर सिर्फ आराम ही नहीं जीवित रहने के लिए भी अनिवार्य हो गए हैं। हम सभी कम लागत वाले शीतलन के आसान तरीके अपना सकते हैं, जैसे सोलर रिफ्लेक्टिव सफेद पेंट, ठंडी छत तकनीक, वायु रोशनी संचार और क्रॉस वेंटिलेशन, थर्मोकॉल इंसुलेशन, होलो ईंटे, छत पे घास की गठरी रखना या बेल लगाना। अगर आप नई इमारत बना रहे हैं तो सादी दीवारों की जगह कैविटी दीवार तकनीक का उपयोग करें। जाली वाली और झरोकेदार दीवारें धूप को रोकती है और वायु प्रवाह बढ़ाती है। रंग रोगन के लिए चूना या मिट्टी जैसी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें। कांच का उपयोग कम करें। घर के आसपास स्थानीय पेड़, लता वाली हरी दीवारें तथा इंडोर पौधे गर्मी को मात देते हैं। अमल करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। जीवन में ठंडक लाएं, घर को स्वर्ग बनाएं। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्लेटफॉर्म का तीसरा सत्र राजधानी दिल्ली के नन में, प्लानिंग महत्वपूर्ण। और राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्लेटफॉर्म पर राजधानी दिल्ली में चल रहे 2 दिवसीय सम्मेलन में बदलती जलवायु में स्थानीय प्रतिरोधी क्षमता का निर्माण विषय पर चर्चा हुई, जिसमें केंद्र, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक संस्थानों से प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत शामिल हुए। चर्चा में अलग अलग विभागों प्रतिनिधियों हिस्सा लेते हुए बेहतर मॉडल तैयार करने पर उन्होंने जोर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जनधन हानि को रोक और जागरूकता के लिए अभिनव नीति से प्रयास कर रही है। आने वाले समय में अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, हमारे इन्वेस्टमेंट को किस तरह से सस्टेनेबल भी बनाए, फ्यूचर रेडी भी बनाए, और इस तरह के आसन्न खतरों के सामने हम खड़े रह सकें,
इसी इन सब के पर विचार करके यदि हम काम करेंगे तभी हम अपने देश को विकसित देश बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टि से हम सब ने देखा है उसे हम पूरा कर पाएंगे। नई दिल्ली स्थित क्रॉट प्लेस में G20 फ्लावर फेस्टिवल आयोजित किया गया है। ये दो दिवसीय फेस्टिवल 11 और 12 मार्च तक आयोजित किया गया है जिसमें खास डिस्प्लेस लगाए गए हैं और साथ ही कुछ G20 देशों ने अपने देश के फूलों और पौधों की विविधता को दर्शाया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में आयोजित G20 फ्लावर फेस्टिवल का शनिवार को उद्घाटन किया। यह फ्लावर फेस्टिवल विभिन्न फूलों को प्रदर्शित करने और विविधता को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है और खास तौर पर इसका थीम रंग बिरंगे फूलों की जीवंतता को प्रदर्शित करना है। दिल्ली का जो ये मौसम है इस मौसम में नए फ्लावर्स आते ही हैं तो ये मौसम बहुत अच्छा है और दिल्ली में तो फूलों वालों की सैर का एक सितंबर में एनुअल फेस्टिवल भी रहता है तो इस शहरों को फूलों से बहुत प्यार है। G20 के कुछ सदस्यों ने अपने देश के फूल और पौधों की विविधता दर्शाने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई है। ये जो फ्लावर फेस्टिवल है इससे पहले हमने ट्यूलिप का फेस्टिवल भी किया था, फूड फेस्टिवल किया था, उसी तर्ज पर आज फ्लावर जो कि जीवन में हमको खुशी देते हैं और ये फ्लावर फेस्टिवल आज ऑर्गेनाइज किया है। इसमें बाहर की 3 कंट्रीज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जापान इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, नीदरलैंड इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और चाइना ने भी पार्टिसिपेट किया है। वी आर शोकेसिंग द वेरी द ट्रेडिशनल ब्यूटी ऑफ जापान एंड द वेरी द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ जापानीज इंडस्ट्री सो इट्स इज अ एयरबोर्न साइज। फ्लावर फेस्टिवल में डालिया, पेटूनिया, डायंथस, पैंसी जैसे रंग बिरंगे फूलों के डिस्प्ले का लोग आनंद भी लेते नजर आ रहे हैं। इट इज ब्यूटिफुल, इतनी मेहनत करी है, सब जगह फूलों की बहार है और पेटूनिया तो हमने इतने कलर्स देखे यहाँ पर जितने पहले कभी हमने देखे नहीं है। विंटर खत्म होने के बाद समर आ रही है और इस बीच का जो ये स्प्रिंग पीरियड है उसमें इतने सारे फ्लावर्स एक साथ देखना अपने आप में बहुत ही बहुत प्यारी अनुभूति है। We're from England, near London. So yeah, we're just visiting Delhi for a couple of days, and the flowers are beautiful, absolutely beautiful. We're from England, just visiting Delhi briefly, and we're delighted to be able to see this festival. It's beautiful, and it's a lovely introduction to a lovely city. इस आयोजन के अन्य आकर्षण में ट्रे लैंडस्केप, विभिन्न फूलों की आकृतियाँ, फ्लोरल बोर्ड, टेरेरियम, तस्वीरों का प्रदर्शन और विभिन्न वस्तुओं के स्टॉल भी हैं। मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।